तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अंदर द वीडियो। तो भाई दोबारा से खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक। और भाई आज मैं ट्राई करूँगा दो चीज़ों के लिए, या तो पहले तुम एकदम फर्स्ट टाइम स्लिप कर लो कि मैंने अभी तक स्लिप नहीं हुआ, क्योंकि मैं बेड बना ही नहीं पाया, क्योंकि भाई कुछ हो ही नहीं रहा मुझे। एक कभी ना कभी एक ना एक चीज़ की कमी हो ही जा रही है। एक मकड़ी भी अगर स्पॉन हो गई तो गाइस तो भी अपना काम हो जाएगा। तीन मेरे पास ऑलरेडी है, तो कोई शीप हो जाए तो आज जम के माइनिंग करने वाले। और याद रखा कि लास्ट वीडियो में हमने भाई स्नो बायोम बनाया था, तो ये काफ़ी मस्त चल रहा है स्नो बायोम वाला सिस्टम। और मेरा डॉग उठा है, यानी सोया है, ठीक है, चलो सोया मतलब कि बैठा है। और यहाँ पे हड्डी आ गई, हड्डी हड्डी के लिए कितने दिखाऊंगा। और यहाँ पे शवों से देखो ये क्या हो गया, ओके ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखो भाई वन ब्लॉक के ऊपर हमने ये करके फिर इसे तोड़ेंगे। ओके चलो भाई माइनिंग कर रही है, आज जम के एक शीप आ जाए, मकड़ी आ जाए, कुछ अच्छा ही आए। आ रहा है तो पता नहीं सारा हड्डी बार बार क्यों आ रहा है। आज लेवल अपग्रेड भाई, एक घूम उठा के बार बार आ जा रहा है। रुक थोड़ी देर, मुझे माइनिंग करनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे एक भालू स्पॉन हुआ है, क्योंकि इस बार हम इसको मारने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारा जो बायोम है उस साइड से अपना अलग है, फॉक्स वहाँ पे अलग है, तो ये उनको मार सकता नहीं है। तो इसे अब खुला छोड़ देते हैं। एक मतलब भालू आ गया और ये काफ़ी मस्त चीज़ हो गई, बट बस ये गिर ना जाए क्योंकि जगह थोड़ी छोटी है। ओके चलो अपनी माइनिंग स्टार्ट ही रखते हैं। एक शीप आ जाए या तो एक स्पाइडर आ जाए, कुछ तो आ जाए, सही कुछ आ ही नहीं यार, पता नहीं मेरा ओह जैसे। अरे इसमें गोल्ड के नाम पे एक या दो गोल्ड है। ओके चलो माइनिंग अपनी ऑन रखनी है फुल टाइम। भाई मेरे को लग रहा है ये भालू कहीं गिर ना जाए, तो मेरे पास एक लीड थी, तो इसको एक काम करते हैं, लीड से भाई बांध देते हैं, ये काफ़ी मस्त चीज़ रहेगी, फिर गिरेगा नहीं। ओके इसको बांधते हैं, इसको किधर बांध सकते हैं। ओके मेरे पास तो कहीं है ही नहीं कुछ, इधर ही बांध नहीं, यहाँ यहाँ से गिर सकता है, लेकिन और मेरे पास कहीं फेंस भी तो नहीं है ना। कहीं साथ मैंने फेंस लगाया था, आप देख सकते हो। और रुको रुको, मुझे अपना एरिया में एक्सपेंड कर रहा है, लगे हाथ स्लैब बना लेता हूँ। ओह यार इतने कौन जाते हैं, स्लैब से जाके उधर का एरिया एक्सपेंड कर देते हैं। रुको तो भाई भालू भाई हिल मत, लगभग जाएगा तो फिर मेरे को मारने लगेगा। अरे नीचे हो गए, ओके इसको गलती से लग गया ना, देखो बहुत गंदा मारेगा ये भालू। ओके इस साइड का तो कंप्लीट हो गया, इस साइड का भी जैसे कंप्लीट करते हैं। ओके 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 तो इधर मस्त हो गया, पता नहीं अभी क्यों नाच रहा है, गलती से हिट हो गया, गलती से हिट हो गया भाई, मारने के लिए आ रहा है। ओ ओ भाई साहब, गिरते गिरते बच गया। अरे यार से गला कट जाएगा, रुको मुझे अफसोस, इसको टाटा करना पड़ेगा यार, माइनिंग ऑन ही रखते हम लोग। तो गई जहाँ पे एक और फॉक्स आ चुके हैं, और अब मेरे को इसको उधर भेजना है। तो मेरे पास एक ट्रिक है कि उसके तो पहले यहाँ पे एक ब्लॉक लो, यहाँ पे रखो। अब मुझे भाई इस ब्लॉक को हटाना पड़ेगा, तो जो फॉक्स आई थी ना तो वो अंदर जा चुकी है, तो मतलब अपनी फॉक्स की बिरादरी बढ़ रही है। और इसके बाद में फेंस भी कर दे, वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक चेस्ट में इसके अंदर आयरन और बोन काफ़ी सारा है, तो इसे उठा लेते हैं इससे पहले कि मैं अगर मर वर जाऊँ। भाई यहाँ पे चेस्ट का तो खजाना हो गया भाई, देखना मतलब काफ़ी हो गया इधर। ये देखो आयरन बोन रखते हैं, ये सब यहाँ पे रखते हैं, सब ऐसे मैंने अलग अलग रखा है, सब ऐसे मतलब बिखर गया है, सबको किसी दिन सॉल्ट करेंगे आराम से। लेकिन अभी यहाँ पे टाइम नहीं है, हमें माइनिंग करनी है, हमारा टारगेट है, तो काफ़ी सारे पेड़ लाओ। और ओ फाइनली अपग्रेड, फाइनली लेवल अपग्रेड। ओके फाइनली थोड़ा वेट करते हैं, और साथ यहाँ पे 10 पे काउंट करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 गो अपग्रेड।
यहाँ पे सैंड लगना चालू हो गया। ठीक, सैंड स्टोन है, कोई बात नहीं। और इसके नीचे कोई ब्लॉक है, ये क्या आ गया? उधर के ज़ॉम्बी भी आ रहे, अब मकड़ी भी आ सकती है अब तो। ये भाई रुको, एक शील्ड बना दो, इधर मरने वरने का खतरा ऑन हो गया है। यहाँ पे आयरन एक है, यहाँ पे बनाना है हमको शील्ड। भाई शील्ड ये रही, इसे बनाते हैं। बाकी तो शील्ड को पहन लो। और यहाँ पे भाई पॉइजन दे दिया है, बहुत ही हटिया के। तो इसके नीचे भी एक और ब्लॉक है, तो हमें इसे तोड़ते के साथ नीचे का जो ब्लॉक है उसको तोड़ना है, लेकिन वो भाई नहीं हो रहा। भाई मैं खाली स्टोन ही आ रहा है भाई। इसके नीचे एक और ब्लॉक, भाई क्या एक्टर्स आ रहे हैं। ओ फाइनली सैंड आ गया, फाइनली मैं मिरर बना सकता हूँ मेरे घर में लगाने के लिए। भाई यहाँ पे अभी एक चेस्ट आया था, पता नहीं सैंड के अंदर दब के मर गया रखते हैं। भाई इसके नीचे का थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। चलो गाइस मैं थोड़ी देर माइनिंग करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। टीएनटी भी आ गया भाई, क्या क्या आ जा रहा है भाई। आई थिंक जो ना पिरामिड होता है ना टेम्पल, उसके अंदर का था, और वहाँ का मतलब जो जितना सामान था ना वो मस्त मस्त मिल गया भाई। कितनी जल्दी माइनिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड किया है, बट जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ओके 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 ओके, ये क्यों नहीं हो रहा? ओके चलो ये मर गया फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद। चलो फिर मैं थोड़ी देर माइनिंग करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली भाई काफ़ी साल बाद अपने कुत्तों को मैं भाई खिला रहा था खाना, बट वहाँ पे कम पड़ गया, लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा और खाना है तो वो भी खिलाएंगे सारे कुत्ते को। भाई इसको कितनी भूख लगी थी, ये 5-6 पीस तो अकेले अटक गया। ओके इसको भी भूख लगी थी, इसको मैंने उठा दिया। भाई तेरे लिए कोई पार्टनर है तो बैठ जा, किसी के साथ ब्रीड नहीं कर सकता। यहाँ पे एक ब्रीड करके एक नन्ना सा बच्चा आया है, काफ़ी मस्त लग रहा है। ओके चलो फिर अपनी माइनिंग वापस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे TNT भी मिल रहा है भाई, ये बहुत मस्त चीज़ हो गया। अगर TNT मिल रहा है बिना बनाए, तो इससे कैसे हमारा काफ़ी सामान, टाइम, मेहनत सब कुछ बच रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे एक मकड़ी आ जा ना, मकड़ी दे देना, मकड़ी वाले आ जा यार। ये पता नहीं क्यों आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। और बारह भाई मेरे को हंगर दे के चले जा रहे हैं, मतलब ऐसा हुआ नहीं कि बिना अंगर दे चले गए। बार बार आ रहे मार रहे, अंगर दे रहे, हेल्थ कम कर रहे थे। भाई यहाँ पे कितनी सैंड आई है। ओके चलो माइनिंग स्टार्ट रखनी है, 1 घंटे तक मैं तो माइनिंग। तू क्यों आ रहा है? मकड़ी को भेज, मकड़ी को, मकड़ी समझ नहीं आती क्या? अच्छा ये भी आ रहे थे, रॉटर फ्लैश भी हमारे पास हो रहा है। कुत्ते को हम लोग क्या खिलाएंगे सवाल बहुत। अरे ये स्टोन लेके आए, मुझे मिल गया भाई। बाबा मेरे हंगर को बढ़ा दे रहे हैं, काफ़ी भूख लग जा रही है मेरे करेक्टर को, ऐसे तो मेरे पास खाना ही नहीं है। ओ हाँ भाई मैं तो नोटिस ही नहीं किया, मेरे पास ज़्यादा खाना नहीं है भाई। हंगर से मेरे को बच के रहना पड़ेगा, एक काउ स्पॉन करके उसे रखनी पड़ेगी बार बार मिल्क पीने के लिए। ये काफ़ी मस्त चीज़ है। और यहाँ पे हमारा पिकैक्स काम से गया, एक नई पिकैक्स बनानी पड़ेगी। आयरन तो पड़ा ही है, ठीक है लगे हाथ यहाँ पे बना देते हैं ये पिकैक्स। देखो ये पहले सारा सामान ना मैं इसके अंदर रख देता हूँ, क्योंकि मरने का रिस्क जो है ना भाई कभी भी रह सकता है, ऐसा कोई नहीं है चीज़। एक मतलब एक टाइम तुमको पता चलेगा कब तुम मर जाओगे भाई, पता नहीं चलेगा। देखो प्रेशर प्लेट ये क्या क्या मिला है भाई, सब रखते इधर। और भाई देखो मेरे पास खाना कितना कम है, मैं अपने डॉग को खिलाऊंगा कि मैं खुद खाऊंगा, ये सवाल है। तो खाना भी भाई अपने पास बहुत कम है, थोड़ा तो संभल के काम करना पड़ेगा। ऐसे चलता रहा तो मैं काम से चल जाऊंगा। ये मेरे पास बोन मिले ना, मैं अपने बीट उगा सकता हूँ यार। रुको रुको बोन मिल लेके आ दो, और बोन मिले तो ही मेरे पास काफ़ी सारी हड्डियाँ यार, उनसे मैं बोन बना सकता हूँ।
देखो बोन मिल का पूरा खसाना पड़ा है। देखो ये पहले करना चाहिए था, तब यहाँ पे हम बना रहे फार्म हमेशा की तरह लेट। ओके चलो, उसके लिए एरिया एक्सपेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा तो डर्ट लगेगा। ओके चलो, इस तरह का सर थोड़ा सा डर्ट लगेगा, तो थोड़ा एरिया एक्सपेंड करके आपको मिलता हूँ। तो मैं फाइनली यहाँ पे जो मैंने है ना ये पूरा यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर दिया है। तो अब भाई मेरे को यहाँ पे चाहिए वुड काफ़ी सारे, क्योंकि भाई पहले मेरे सारे वुड ख़त्म हो गए भाई प्लांट्स बनाने के चक्कर में उधर लगाने के लिए। और यहाँ पे बस 3 फैंस भी ऑलरेडी पड़े हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मेरे को मुझे यहाँ पे वही बनाना है भाई, फैंस ही बनाने। ठीक है, तो फैंस की रेसिपी क्या है? अच्छा वुड चाहिए यार। ओके चलो, यहाँ पे काफ़ी फैंस बन चुके हैं, चलो देखते भाई। मेरे पास देखो वुड ही ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ पे एक और फैंस है, मुझे यहाँ पे फैंस लगा देख लेता हूँ मैं। हर एक चेस्ट में फैंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी अच्छी बात है। ओके नहीं है, तो अब भाई मुझे पहले तो यहाँ पे बोन मिल उगा के काफ़ी सारी ग्रास यहाँ पे लानी पड़ेगी, ताकि यहाँ पे मैं ये सबको तोड़ सकूँ और फटाक से सीड कलेक्ट कर सकूँ। तो फटाक यहाँ पर हमें सीड मिलना चालू हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, अपना खाना का काम चालू जाएगा। ये पहले मुझे बहुत पहले सोचना चाहिए था, काफ़ी लेट सोचा मैंने, बट इट्स ओके। आप मैंने ओके पूरा क्लीन कर दिया है, देखते हैं आप मुझे कितने सीड मिले हैं। ओके 3 सीड मिले, बताओ 3 सीड। ओके यहाँ पे ग्रास, यहाँ पे ग्रास, यहाँ पे ग्रास, ओके यहाँ पे भी ग्रास। अब भाई इतने ग्रास है, देख लो कितना मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। ओके यहाँ पे कह रहे थे यहाँ पे पूरा फायर सब नीचे ना गिर जाओ, यहाँ से टर्न लेना है। यहाँ पे ग्रास है, ओके यहाँ पे फ्लावर भी काफ़ी सारे मिल रहे हैं, तो अपना डाई का भी काम हो जाएगा। ओके यहाँ पे ग्रास मिला, इसमें सीड वीड नहीं मिला। ओके देखो, जो फार्म बनाने का प्लान है वो मेरा फर्स्ट एपिसोड में ही था, जो कि मैंने डर्ट एक्सपेंड किया था, बट वहाँ पे ग्रास फैल ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कभी बनाया ही नहीं। बट अभी यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ग्रास फैल चुकी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो चुकी है। तो अब एकदम आराम से यहाँ पे बना सकता हूँ। ओके चलो पूरा सब क्लीन करते हैं, फ्लावर छोड़ देते हैं, फ्लावर मस्त लग रहे हैं। अभी तक मैं रिमूव कर रहा था बट अब नहीं करूँगा, अच्छी अच्छी लग रहे हैं। ओके चलो, यहाँ पे काफ़ी मतलब रिमूव कर दिया ग्रास, देखते हैं कितने सीड मिले हैं। ओके इसमें काफ़ी सीड मिले, 8 सीड हो गए। ओके यहाँ पे एक और गिरा है, पहले तो रुको भाई, मेरे को अपने डॉग को अंदर लेने दो, ये सब डॉग को सर मेरे को डर लगता है। ओके इन लोग को मैंने लिया, डोर ओपन किया, आ जाओ यार। एक तो काफ़ी डिस्टेंस करने के बाद आते, देखो एक आ गया ना, वो भी इसको लग जाती और बच गया, ओ मैं ही मेरे को लग जाती। ओके मैं नहीं चाहता हूँ, अरे आ जाओ, छुटकू दुआ। अरे यार लगभग ना जाए। ओके सिट सिट के, ये लोग सीट हो चुके हैं, चल अंदर, इसको बैठे बैठे घिसा कर लेगा, चल चल अंदर, क्योंकि भाई इनको बाहर है ना कोई भी मॉब मार दे रहा है, और इनको मैं बैठा के रख रहा हूँ ना, तो इनको ऐसा लग जा रहा है। और तू तेरे को सोशल मीडिया तेरे को बैठा के ले जाना पड़ेगा, चल 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 भाई, कितना अजीब लग रहा है इनका, मैं घिसते हुए लेके जा रहा हूँ। ओके चलो चल चल अंदर, चल अंदर चल, रात हो चुकी है, रात को बाहर, अरे तेरी इतनी मेहनत से मैं इनको अंदर कर रहा हूँ, इनको बाहर कर रहा है। ओके चलो, ओके चल 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 अंदर, चल 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 चल। ओके यहाँ पर अपना काम हो गया, तो यहाँ पर दोबारा से भाई एक लास्ट टाइम उगाते हैं, देखते यहाँ पे कितना सीड आता है, और फिर बाकी फिर फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फास्ट करते भाई, इस बार भाई बस नीचे ना गिर जाऊँ, मैं ये डर लग रहा है मेरे को। ओके चलो, जितनी सीड आ गई उतनी आ गई, अब मुझे बनाना है यहाँ पे एक हो के लिए फिर से मुझे चाहिए एक आयरन। ओके यहाँ पे मैं गया, हो यहाँ पे मैंने बनाया हो, और यहाँ पे पहले तो ये सब रखो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि भाई मेरे डॉग को मैं क्या खिलाऊँगा, तो उनके लिए
ओके चलो वाटर रखते हैं। फ्लावर यहाँ पे काफ़ी सारे हो चुके हैं अपने पास, तो इन्हें इधर रख देते हैं। अभी चलते हैं अपने मतलब फार्म बनाने के लिए। तो यहाँ पे अरे एक सेकंड, मुझे नीचे जाके इनको वाटर के लिए नीचे से एक 3 ब्लॉक करना पड़ेगा, रुको मैं करके आता हूँ। ओके तो यहाँ पे जो है ये हो चुका है, तो अब मैं डालता हूँ यहाँ पे वाटर। तो वाटर के भी अपने पास कमी है, तो इसके आसपास ही जो है ना मुझे वीट उगाने चाहिए। ओके तो मैं इसी के आसपास वीट उगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके और यहाँ पे जो मैं भाई अभी गिरने वाला था, फैंस लाया था ना वो लगा देता हूँ। ओके ओके ये काफ़ी मस्त लग रहा है, वहाँ पे एक लगा देंगे बाद में। और यहाँ पे ये हो चुका है, यहाँ पे देखते हैं मुझे कितने अरे सीढ़ी ये गायब हो गए। ओके यहाँ पे मुझे सीड लानी पड़ेंगे, ये रहे मेरे सीड। बोल के चलता हूँ मैं, यहाँ पे 15 सीड है और इन्हें फटाक से यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सीड नहीं यार, थोड़े बहुत है बट काम चलाओ है। ओके ये मस्त लग रहा है, फिलहाल के तो वापस माइनिंग पे चलता हूँ। और पता नहीं मेरे सारे टूल किधर चले गए। ओके थोड़ा और माइनिंग करते हैं तब तक अपना फार्म और अपग्रेड होता है। तो भाई यहाँ पे एक और चेस्ट स्पॉन हुआ जैसे कि आप देख सकते हो, तो फटाक से तोड़ते हैं, काफ़ी सामान इसमें मिल गया है। और एक सेकंड नहीं, मैं मुझे लगा इसमें बेड मिल गया। ओके यहाँ पे खरगोश भाई, वो खरगोश यहाँ पे आ चुका है, वरना मेहमान भी यहाँ पे आ चुका है। अरे ये क्या हो रहा है? ओके गोल्डन एप्पल भाई, गोल्डन एप्पल इतने सारे पोशन भी एपिक, अरे क्योंकि गोल्डन एप्पल के साथ इतनी सारी चीज़ें एपिक यार एपिक भाई, ये सबसे मस्त चीज़ थी। इसे उठा, इसके नीचे एक और चेस्ट है और इसके अंदर ओ भाई फाइनली भाई, आज मैं बेड बना के सोऊंगा, आज मैं क्या क्या नहीं कर सकता भाई साहब। बेड बनाने के लिए सारी सामग्री सब कुछ हो चुका है मेरे भाई, इसमें भाई गोल्डन एप्पल मिल गया और पोशन मिल गए, ये मिल गए एक, ये मिल गया भाई, क्या क्या नहीं मिल गया, बहुत एपिक चीज़ हो गई यार, बहुत एपिक चीज़ हो गई, मतलब क्या ही एपिक चीज़ थी। और एक के नीचे इसको मैं खोल ही नहीं सकता, तो इसे ऊपर से हटाना पड़ेगा भाई, क्या सीन था, गोल्डन एप्पल मिल गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मतलब तुम ही सोच के देखो। ओ भाई हम और मैं भाई बेड भी बना सकता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है भाई, मज़ा ही आ गया। और खाने के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल चुकी हैं, 58 आई कम नहीं है, मस्त है। और इसको भाई यहाँ पे कहीं रख देते इधर कोने में, ये रहा भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।